हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉइन इन्फो पे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रिकमेंड किया। उसने कहा, भैया मैं बहुत नया हूँ इस फील्ड में, मुझे क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा पता है नहीं, तो मैंने उसकी प्राइवेटली मदद की, उसका पोर्टफोलियो सुधरवाया। लेकिन मैंने फिर उसको रिकमेंड किया कि आप वज़ीरेक्स से हटिए और बाइनेंस पे आइए। तो उसने कहा मैं अकाउंट कैसे क्रिएट करूँ, तो ये वीडियो उसी के लिए हम बना रहे हैं कि आप बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। चलिए गाइस, मैं अब आपको बाइनेंस की हिस्ट्री बता देता हूँ शॉर्ट में। जो इसके फाउंडर थे उनका नाम है ज़िनपेक ज़ाओ। उसके अलावा ये 2017 में फाउंड हुआ था। उसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो केमन आइसलैंड पे है। तो मैं अब आपको उसका ट्विटर हैंडल दिखा देता हूँ, सीजे सर का। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्वीट डालते हैं रोज़ाना के स्तर पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ और उसके फ्यूचर को लेकर। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ बाइनेंस का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो इस वक्त जो बाइनेंस का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है आज के दिन में वो है 25 बिलियन, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कॉइन बेस एक्सचेंज का है 3 बिलियन और उसके अलावा यूबी का है 6 बिलियन। तो बाइनेंस हरदम से टॉप पे था और हरदम रहेगा। तो ये हम लोगों ने एक कंपेरिजन चार्ट खोल रखा है। तो देखिए, एक तरफ है बाइनेंस और एक तरफ है वज़ीरेक्स। तो ये बाइनेंस किस किस प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करता है, SEAS को छोड़ के सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है। वहीं वज़ीरेक्स लिनक्स को छोड़ के सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है। इसकी जो ऑडियंस है बाइनेंस की, ये 190 कंट्रीज़ और रीजन्स से मिलके बनती है। वहीं वज़ीरेक्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स लुकिंग फॉर अ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बैक्ड बाई फाइनेंस। आयरनी की बात यह है कि वज़ीरेक्स को भी बाइनेंस ने ही खरीद रखा है, तो जितना भी पैसा वज़ीरेक्स में जाएगा वो बाइनेंस ले लेगा, लेकिन ये तो अभी की बात है। वहीं सपोर्ट हम लोग अगर देखें तो ये बिजनेस आर्स का सिर रखता है बाइनेंस। देखिए, बाइनेंस एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों को हैंडल करना होता है, इसलिए ये लोग बिजनेस आर्स में ही डील करते हैं। वहीं वज़ीरेक्स सिर्फ इंडिया लेवल पे काम करता है, इसलिए 24 घंटा ऑनलाइन रहता है। वहीं हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो बाइनेंस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है सिर्फ, वज़ीरेक्स में डॉक्यूमेंटेशन और लाइव ऑनलाइन भी होता है। बाइनेंस की कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको binance.com पे मिल जाएगी और वज़ीरेक्स की इन्फॉर्मेशन आपको वज़ीरेक्स.com पे मिल जाएगी। वज़ीरेक्स के बारे में बताया गया कि वो 2017 में बनाया गया था। ये इसके ऑल्टरनेटिव्स यहाँ कुछ दिए हुए हैं, वैसे तो रहने ही दीजिए, ऑल्टरनेटिव पे मत जाइएगा। कैटेगरीज़ के अंदर देखें तो बाइनेंस के अंदर क्रिप्टो लेंडिंग का फीचर है डिफाई, वहीं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी है, वो तो बेसिक सी बात है, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तो था ही, वही इसमें एक एडिशनल फीचर है क्रिप्टो लेंडिंग का। वहीं वज़ीरेक्स में देखें तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ये एक ही डाउनफॉल है वज़ीरेक्स का। उसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं बाइनेंस के अंदर, उसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं। बिटकॉइन, हार्मनी, बियर टैक्स और डैश डैश डैश, काफ़ी सारे लोगों ने इससे अपना सपोर्ट दिखाया हुआ है। वहीं वज़ीरेक्स की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ बिटकॉइन और हार्मनी सपोर्ट दिखाया हुआ है, हार्मनी 1। बस इतना ही था हमारा कंपैरिजन। तो इस कंपैरिजन से आपको पता चला होगा कि बाइनेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है वज़ीरेक्स से। तो हम लोग ने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी गैस फीस 50% तक कम हो जाएगी। गैस फीस का मतलब हर ट्रांजैक्शन पे होने वाला आपका जो कुछ टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को हमें देना होता है वो हाफ हो जाएगा जस्ट। तो मान लीजिए अगर आपको 10 रुपये देने पड़ रहे हैं एज अ टैक्स, तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सिर्फ 5 रुपये देने होंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही डाउनलोड करें और फ़ायदा उठाएं। तो गाइस, मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है लैपटॉप पे, इसका फ़ोन वर्जन भी अवेलेबल है अगर आपको फ़ोन पे चलाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो फ़ोन के अंदर नहीं होते हैं। तो सबसे पहला है मार्केट, उसके अलावा बाई क्रिप्टो, उसके अलावा ट्रेड, यहाँ पे हम लोग खरीद बेच सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़ काफ़ी अच्छा इसमें इन्होंने फीचर दे रखा है, जैसे ही कोई भी न्यूज़ आती है तो इसमें तुरंत अपडेट कर देते हैं। उसके अलावा स्टेकिंग का ऑप्शन दे रखा है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मैंने इसके बारे में आपको आगे बताया वीडियो में। उसके अलावा ऑल के अंदर आपके पास लॉन्च पैड आ जाता है, क्रिप्टो लोन आ जाता है, उसके अलावा लेवरेज आ जाता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया वीडियो में। जैसे ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक को दबाएंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से अब आपको करना है रजिस्टर। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ईमेल और मोबाइल। मैं मोबाइल का प्रेफर करता हूँ। मैं यहाँ पे अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करूँगा, वो ऑटोमेटिकली आ गया। फिर यहाँ पे हमें अपना नंबर डालना है। तो अब हमें एक पासवर्ड बनाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक नंबर हो।
देखिए ये पासवर्ड 8 डिजिट तक का मिनिमम होना ही चाहिए, उससे बड़ा आप कितना ही बना सकते हैं, वैसे तो 16 की लिमिट होती है। तो हम एक पासवर्ड बना लेते हैं, तो हमारा पासवर्ड बन चुका है। अब यहाँ पे एक हमें पजल सॉल्व करने के लिए बोलेगा ताकि इसको पता चले हम रोबोट हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको लाना है, फिर यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, तो यहाँ हम लोग जैसे ही वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। आ गया मेरे वेरिफिकेशन कोड, अब मैं डाल देता हूँ। गाइज अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि रेप्यूटेड हो अगर उसके अंदर आप लोग अकाउंट बनाते हैं तो वो KYC करने के लिए कहता है। KYC के अंदर देखिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए जब आप KYC कर रहे हो तो वो लोग आपसे आपकी पहले तो फ़ोटो मांगेंगे, तो देखिए आप अपनी फ़ोटो लगा दीजिए। फिर उसके बाद वो लोग आपसे 3 ऑप्शन देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें से किसी एक की फ़ोटो लगा दीजिए, आगे पीछे दोनों की, ठीक। और फिर तीसरी एक होगी जिसके अंदर वो आपकी फ़ोटो मांगेंगे करंट टाइम में, तो उसके अंदर आपको जो भी आप ले रहे हैं डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी, आप उसको अपने हाथ में पकड़िएगा, अपने चेस्ट के आसपास लाइएगा और एक फ़ोटो खींचेगा सेल्फी, और वो फिर आपको अपलोड करनी है। तो इससे आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। KYC का मैक्सिमम टाइम 2 दिन लगता है, वहीं मेरा तो शाम में ही हो गया था। तो गाइस जैसे कि हमारा KYC डन हो चुका है, अब हमें इसके अंदर अगर पैसे डालने हैं तो एकमात्र तरीका पीयर टू पीयर है, P2P। तो जैसे ही होम पेज हमारा खुला हुआ है तो यहाँ से आपको यहाँ आना है बाय क्रिप्टो पे, फिर यहाँ पे P2P ट्रेडिंग करते हैं। तो ये इसका सबसे सेफेस्ट तरीका है पैसे डालने का। इसमें हमें वैल्यू कौन सी सर्च करेंगे, तो यहाँ पे INR डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ है क्योंकि हम इंडिया से हैं। तो यहाँ पे आपको लोगों के नाम दिखा रहे हैं जो कि यहाँ के लोकल लोग हैं जिनके पास USDT हैं, या तो मार्केट से एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं अपना प्रॉफिट बुक करके, या किसी वजह से वो एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो आके बेचते हैं, आप यहाँ से ख़रीदते हैं उन्हीं का कॉइन। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से ख़रीदने की जगह आप ऐसे लोगों से ख़रीदें जिनके पास ये टिक हो। इस टिक का मतलब ये होता है कि इन्होंने पहले भी सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रखी है, ये लेके भागे नहीं है। वैसे भी ये लेके भाग नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास से कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रखवा लेते हैं बाइनेंस वाले, ताकि इनकेस अगर ये कभी भागते हैं तो उसी सिक्योरिटी अमाउंट से हमारा रिफंड हो जाए। तो यहाँ पे जैसे इनके पास एक ब्लू टिक है, मतलब एक टिक है, इनके पास एक टिक है, बस यही 2 लोगों के पास टिक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इन्हीं दोनों लोगों से ट्रेडिंग करिए, तब इन दोनों में से आप कंपेयर करें किसकी वैल्यू कम है, कौन सस्ते में दे रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये 75.20 पैसे में दे रहा है और वहीं दूसरा वाला 75.21 पैसे में दे रहा है, तो हम लोग इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी लिमिट दे रखी है किसके बीच में ये अपना ट्रांजैक्शन करता है, जैसे कि इसकी लिमिट है 50,000 से 1,50,000 तक के बीच में, और इसके पास अवेलेबल है 2,000 USDT। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इनका मीन्स ऑफ ये हमसे पैसे कैसे लेंगे। तो इनके पास एक तरीका है UPI और एक है IMPS। तो यहाँ पे आप बाई USDT दबाइए, तो फिर यहाँ पे वैल्यू लिख के आ गई, हमें कितना पे करना है और हमें कितना रिसीव होगा। मान लीजिए मुझे 50,000 तो नहीं 60,000 लेने हैं, तो यहाँ पे हम अगर बाई USDT लगते हैं, मान लीजिए हमने दबाया, तो यहाँ पे हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। अभी हमें नाम उसका बता दिया, UPI ID बता दी जिससे हमें भेजना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अभी भी हम ऑप्शन स्विच कर सकते हैं IMPS में। फिर यहाँ पे ट्रांसफर्ड और नेक्स्ट दबाना है, तो इस UPI ID पे आप ट्रांसफ़र करिए पैसे, आपको तुरंत के तुरंत ही मिल जाएंगे। और अगर आपको डर है कि लेके भाग जाएगा तो आप इससे चैट में बात करिए, इससे इसका नंबर ले लीजिए, पहले आप कांटेक्ट कर लीजिए। 30 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है, इसमें 15 मिनट्स दे रखे हैं, तो 15 मिनट इस आदमी के साथ हमें मिल रहे हैं। गाइज मैं अब आपको BTC बाय करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे $10 पहले से पड़े हुए हैं, तो $10.31 है मेरे पास इस वक्त। मैं यहाँ पे बाई BTC दबाऊंगा, मेरा BTC बाई हो गया, एज सिंपल एज दैट। हम सेल भी कर सकते हैं, आगे मैं आपको सेल का बता देता हूँ। गाइज मैंने BTC खरीद लिया, अब मैं आपको बताता हूँ उसको सेल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्केट पे जाना है, तो जैसे हम लोग ने बाई किया सस्ते में, लेकिन हम लोग सेल सस्ते में नहीं करते, सेल हम लोग महंगे में करते हैं हरदम, कभी भी। ये तो सिर्फ एक वीडियो हो गई, वैसे आपको जब भी सेल करना हो तो हाई में ही हरदम सेल करिएगा, लो में कभी सेल मत करिएगा, चाहे जितनी बड़ी डिप आ जाए। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है BTC। तो यहाँ पे BTC के आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स दिखेंगे, लेकिन हम लोग ने तो USDT में ख़रीदा है इसलिए हमें USDT दबाना है। फिर यहाँ पे
आपको पता चलेगा कि वैल्यू इस वक्त कितनी चल रही है, हमारे पास कितना अमाउंट है USDT का। तो हमारे पास इस वक्त अमाउंट है 0.002 का, तो यहाँ पे हम लोगों अमाउंट डाल देंगे 0.00023। तो यहाँ पे हमें वैल्यू लिख के आ गई कि कितनी हमारी वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे हम सेल का दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। इसके अंदर कुछ अलग से फीचर्स भी हैं, जैसे स्लॉप लिमिट का, उसके अलावा एक लिमिट लगाने वाला ऑप्शन भी है। जैसे कि मान लीजिए अभी BTC की वैल्यू कुछ चल रही है और हम लोग को उसे सस्ते में ख़रीदना है। फिलहाल के लिए मान के चलिए अगर 44 हमारी वैल्यू चल रही है, लेकिन हमें ख़रीदना है सस्ते में, जैसा मैंने आपको नियम बताया, तो मान लीजिए हमें ख़रीदना 40 में। तो यहाँ पे हम लिमिट का खेल खेलेंगे, लिमिट में हम लोग वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमें जितने में ख़रीदनी है 40, तो यहाँ पे हम लोग 40,000 डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम अपना अमाउंट लिख देंगे कितना अमाउंट हमें ख़रीदना है, जैसे कि हमें 1 अमाउंट ख़रीदना है, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बाई में ये करना है। तो यहाँ पे हमें 40,000 में ख़रीदना है, तो यहाँ पे हम अपना अमाउंट लिख देंगे 1 BTC। फिर उसके बाद हम यहाँ बाई BTC अगर दबा देंगे तो ये हमारी लिमिट लग जाएगी। तो जब इतना पैसा जाएगा कभी BTC का, वो हमारा ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। तो ये हुआ लिमिट्स का खेल, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा स्टॉप लिमिट का ये मतलब होता है, मान लीजिए अगर मार्केट डिप में जा रही है तो अगर आपने स्टॉप लिमिट लगा रखी है, जैसे कि अगर आपको लॉस खाने से डर है, मान लीजिए अगर BTC अभी 44 का चल रहा है और आपको डर है कि हमारा लॉस हो जाएगा, तो आप 43 के आसपास अगर अपनी लिमिट लगा देते हैं स्टॉप वाली, तो जैसे ही 43 के नीचे जाएगा ना BTC, तुरंत आपका जो भी क्रिप्टो होगी वो बिक जाएगी ऑटोमेटिकली, चाहे जितना ही प्राइस चल रहा हो। ये होता है स्टॉप लिमिट का फ़ायदा। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग में ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो गाइस, जैसे कि आपने अपना कॉइन बाय कर लिया है, ठीक है, उसका आपने वॉलेट में पड़े रहने दिया, ठीक है, अब आप वक्त के साथ देखेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ग्रेजुअली, ठीक है, बढ़ रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको साइड बेस थोड़े और कमाने हैं, मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है, ठीक, आपने उसको ख़रीद के रख दिया, ठीक, वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बढ़े जा रही, लेकिन एक हद तक ही बढ़ेगी ना, और बगल वालों की भी बढ़ेगी जो आसपास वाले होंगे, तो आप अलग से प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर प्लॉट के केस में देखें तो हम वहाँ दुकान डाल सकते हैं या और भी कोई चीज़, तो उससे आपको इनकम सोर्स एक अलग से मिल जाएगा। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको पैसिव इनकम सोर्स से पैसे कमाने हैं, तो आपको सबसे अच्छा तरीका जो है वो है स्टेकिंग। तो मैं आपको स्टेकिंग के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बिटकॉइन है, ठीक, उसको आपने स्टेक कर दिया पूरे साल भर के लिए, तो वो जितना आपका बिटकॉइन है, अगर आपको 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपका बिटकॉइन वो 1 से 1.09 हो जाएगा, और एक साल बाद वैल्यू तो बढ़ेगी इन्फ्लेशन की वजह से। इस वजह से आपके पास जो बिटकॉइन होगा वो पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा साल भर के टर्न में, और आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टेकिंग करते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको स्टेकिंग के ऑप्शन को दबाना है, ठीक, फिर उसके बाद आप लोग का ये एक छोटी सी विंडो खुलेगी, तो इसको बड़ा करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं और उनकी APY दिख रही है, एनुअल परचेज यील्ड, इसका मतलब साल भर की एंड में हमें कितना परसेंटेज वापस रिटर्न मिल रहा होगा। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा इस वक्त DEXC पे मिल रहा है 46.20%, काफ़ी ज़्यादा है। मान लीजिए अगर आप एक कॉइन साल भर के लिए स्टेक करते हैं, तो आपको साल भर के एंड के बाद 1.46 कॉइन मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। अगर आप बाई करना चाहें तो बाई कर लिए। तो चलिए मैं आपको स्टेक करके दिखाता हूँ। तो हम लोग फिल स्टेक करने वाले हैं, फिल एक काफ़ी अच्छा कॉइन है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है 30 दिन में हमें 9.79% का APY देखने को मिल रहा है, वहीं 60 दिन का देख लेते हैं, 60 दिन में 13.79 APY देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। वहीं 19 डेज के लिए देखें तो 15.47 APY देखने को मिल रहा है, अच्छा है। मैं 30 डेज के लिए स्टेक करता हूँ, यहाँ पे हमने स्टेक दबाया, फिर उसके बाद हम लोग के पास इस वक्त है 0.153 फिल। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैक्स दबा दें तो जितना भी हमारे पास है सारा यहाँ आ जाएगा, तो हम मैक्स दबा देते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद हम यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, छोड़िए अभी हमको पता है क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर बस ये बताते हैं कि इससे पहले हम लोग निकाल नहीं सकते, और बस यही सब है। तो यहाँ पे कंफर्म परचेज़ हम लोग करेंगे, कंफर्म परचेज अब आया तो हमारा फिल सेक हो गया है। अब हमारा फिल 30 दिन के लिए हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो 30 दिन के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड APY मिलेगा वो 9.79 होगा। फर्ज करिए मार्केट में एक डिप आई हुई है, लेकिन अब आपके पास कुछ भी अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास कोई भी सहारा नहीं बचा। लेकिन बाइनेंस आपको एक सहारा दे सकता है क्रिप्टो लोन के नाम से। तो जैसे कि आप होम पेज पे आए, तो यहाँ से आपको ऑल पे जाना है, फिर यहाँ पे क्रिप्टो लोन का दबाना है। तो बाइनेंस में एक बहुत अच्छा फीचर है कि हम लोग को ये लोन दे देते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ही लोन नहीं देते, हमें अपना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जैसे कि हमें चाहिए क्या, तो मान लीजिए हमें दो ही, मान लीजिए आप दो ही करेंसीज में लीजिएगा, मेरी माने तो USDT और BUSD, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स हैं। मुझे USDT पसंद है, मैंने USDT लिया। अब हमारे पास कोलेटरल अमाउंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कौन से कॉइन है गिरवी रखने के लिए। तो मान लीजिए हम लोग डॉट लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ डॉट हुआ, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ने डॉट लिखा। अब हमें बोरो कितना करना है इनसे, तो जितना भी अमाउंट हो $100 से ऊपर होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने 100 लिख दिया, तो यहाँ पे 8 डॉट मांग रहा है, मेरे पास इस वक्त 4.33 डॉट हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त देखें अगर डॉट की वैल्यू, तो $20 के हिसाब से $160 ही मांग रहा है। मान लीजिए हमें $100 अगर चाहिए, तो $160 ये लोग हमसे सिक्योरिटी की तरह रखवा रहे हैं कि अगर हम लोग लेके भागते हैं तो ये लोग अपनी भरपाई इस मेरे जो डॉट पड़े हुए थे उनसे कर लें। तो ठीक है, ये हमारा 7 दिन का हम लोग अगर देखें तो ये हमारा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 0.34 USDT, ठीक है, डिसेंट है। और वहीं 14 दिन के हिसाब से हम लोग देखें तो 0.69 USDT, ठीक है। 30 डेज़ का देखें तो 1.4, 90 डेज़ का देखें तो 4.4, और 180 डेज़ का देखें तो 8.9, ठीक है। अगर आपके पास पैसे उस वक्त नहीं हैं, तो अगर आप लेना चाह रहे हैं लोन, तो मेरी मानिए ले लीजिएगा। यहाँ पर आके स्टेकिंग के तरह ही हम लोग दूसरे तरीक़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। तो उसका एक बढ़िया एग्जांपल है लॉन्च पैड, बाइनेंस का एक बहुत अच्छा फीचर है। जैसे लॉन्च पैड का मतलब ही हो गया कोई चीज़ लॉन्च होना। मान लीजिए बाइनेंस में कोई कॉइन लॉन्च हो रहा है, तो उसकी हाइप कैसे बढ़ा सकते हैं लोग, ये लोग लॉन्च पैड में लाते हैं उस कॉइन को। लॉन्च पैड के अंदर मान लीजिए हम लोग के पास BNB या फिर USDT या फिर हमारे पास पोलका डॉट है, तो लोग हम स्टेक करते हैं इसके अंदर, और उसके बदले हमें बाइनेंस एक नया कॉइन देता है जो लॉन्च होने वाला है, ताकि उसकी हाइप बढ़े, लोग उसको इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद जब भी लॉन्च होता है उसको सेल कर देते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लॉन्च पैड दिखता कैसा है। यहाँ ऑल पे आपको जानना है, फिर यहाँ से लॉन्च पैड आपको दबाना है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कॉइन 98 एक नया लॉन्च होने वाला है, अभी आया नहीं, वरना मैं आपको अभी तुरंत करके दिखा देता। उसके अलावा एक क्ले आया था, वो BNB और BUSD से माइन हो रहा था, यानी फार्म हो रहा था। तो हम लोग अगर मान लीजिए BNB हमारे पास होता कुछ, हम लोग यहाँ पे रख देते स्टेक होने के लिए, और हमारा BNB उतना मिल जाता हमें। मान लीजिए इसके अंदर भी टाइम पीरियड होता है 15, 30 या फिर 60 डेज़ का। तो मान लीजिए हम 30 डेज़ का करते, तो BNB हमारा जितना हमने डाला था वो हमें वापस मिल जाता। उसके अलावा एक क्ले नाम का नया कॉइन हमें अपने वॉलेट में मिल जाता। बस इतना ही ईजी होता है लॉन्च पैड यूज़ करना। तो अगर आप रिस्क बिना लिए कमाना चाहते हैं, तो लॉन्च पैड और स्टेकिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है, लेकिन कुछ बातें अभी भी रह रही हैं। मैंने आपको ये बताया इसमें ज़्यादातर कॉइन मिलेंगे, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं बोली इसमें सारे कॉइन मिलेंगे। सारे कॉइन वाला एक और प्लेटफॉर्म है MXC नाम से, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उसका ट्यूटोरियल जल्दी आने वाला है। तो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने दोनों की गेनर लिस्ट खोल रखी, इधर की तरफ आपका बाइनेंस है और इधर की तरफ MXC है। तो बाइनेंस के अंदर आप देख पा रहे हैं 79% से इंक्रीज़ हो रखा है टॉन कॉइन, और वहीं MXC पे अगर आप देखें तो ACH कॉइन 2033% इंक्रीज़ हो रखा है। मैसिव नंबर, मतलब मैसिव। अगर आप ACH के अंदर आपने $10 डाला होता, तो अभी के टाइम के हिसाब से आप $1000 लेके निकल रहे होते अपने साथ। बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर क्यों है, क्योंकि ये जितने भी MXC पे कॉइन्स हैं ये सब रिसर्च फेज पे हैं,
वहीं जितने ही बाइनेंस पे कॉइन्स हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड कॉइन्स हैं, उनका मार्केट कैप काफ़ी हाई है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ सकते। लेकिन जितने भी रिसर्च फेज पे हैं उनका मार्केट कैप काफ़ी लो है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं थोड़ा सा भी अगर उनको इन्वेस्टर्स मिल जाए तो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, हम लोग आपको फ्री में इतने अच्छे अच्छे कॉइन्स के बारे में बता रहे हैं, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। थैंक यू। आई नीड ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।